नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? मुझे मालूम है आप लोग अच्छे ही होंगे। और पिछली वीडियो जो मैंने अभी बनाई थी उस पर आप लोगों ने भर भर के कमेंट जो किए हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा यार। और सच में मैं चाहता हूं कि मैं निरंतर वीडियो बनाता रहूं। आप कमेंट करके बताइए, क्या आप लोग रोज़ ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो मैं रोज़ ऐसी वीडियो बनाऊँगा। अगर आप कहेंगे कि एक वीडियो रोज़ बनाना है, रोज़ एक वीडियो बनाऊँगा। आप कहेंगे 2, 4, 10 वीडियो रोज़ बनाना है, तो रोज़ 10 वीडियो बना करके चैनल पे आप लोगों को देखेंगे। तो चलिए, आज जो थंबनेल में आप लोगों ने देखा, क्या मुकेश सहनी जाति की राजनीति करते हैं, इस पे आपके क्या विचार हैं? देखिए, सबसे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी ने जब कहा कि मांगने से भीख मिलती है, अधिकार नहीं मिलता है, अधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उसके बाद उन्होंने कहा कि निषाद समाज और पिछड़े अति पिछड़े जो लोग हैं उनके लिए आरक्षण की जो मांग कर रहे हैं, अगर आरक्षण लागू हो जाता है क्या सिर्फ निषादों को मिलेगा? उसमें तो समझ जो अति पिछड़े में आते हैं सभी को मिलेगा, जो भी अन्य जातियों के लोग हैं। लेकिन जो ये छुटबइये जो पत्रकार होते हैं उनको भेजा जाता है उन्हीं लोगों के द्वारा, जो लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ें, उन लोगों के द्वारा भेजा जाता है। और वो लोग आप लोगों के बीच में पहुंचकर आप लोगों के नेता जो उभर रहे हैं, चाहे वो SC ST के नेता हो, चाहे OBC के नेता हो, उनके पास जाकर के ऐसे मुंह पे माइक लगा कहेंगे, लोग कहते हैं कि आप जाति की राजनीति करते हैं। अरे भाई, कोई उन मीडिया वालों से पूछो कि लोग नहीं कह रहे हैं, तुम कह रहे हो। तुम ऐसा सवाल पूछते हो, तुम लोगों को आगे बढ़ाने वाले सवाल तो पूछते नहीं हो, लोग जागरूक हो सके ऐसे सवाल तो पूछते नहीं हो, EVM का मुद्दा नहीं उठाते हो। तुम सवाल पूछते हो कि आप सर जाति की राजनीति करते हैं। अब बताइए इन मीडिया वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये मीडिया वाले गलत करते हैं कि सही करते हैं, कमेंट करके बताओ। क्या इन लोगों को इस तरह के सवाल पूछने चाहिए कि मुकेश सहनी जाति की राजनीति करता है? बताइए, आप मुझे कमेंट करके बताइए। हाँ, एक सवाल मेरा यहाँ पर है, ये मैं कहना चाहूँगा कि क्या ये मीडिया वाले उन लोगों से सवाल कर सकते हैं जो इस देश में धर्म की राजनीति करते हैं? इनके अंदर हिम्मत है उनके जाके चेहरे पे मुंह पे माइक लगा कहें कि सर आप धर्म की राजनीति करते हैं? फिर हम देखें कि इन पत्रकारों के अंदर कितना दम है। जो नेता उभर रहे हैं उनसे इस तरह से उल्टे सीधे सवाल करेंगे, अब जाति की राजनीति करते हैं, आप लोगों को भड़का रहे हैं। अरे भाई, क्या क्या करें इन लोगों का हम? आप लोग बताइए क्या करें इन लोगों का? तब मेरा मन नहीं करता है वीडियो बनाने, जा रहा हूं यार, मैं नहीं वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं हटो। तो कैसे हैं आप लोग, मतलब यार क्या बताएं इन लोगों का, मतलब इतना दिमाग खराब है जिसकी कोई हद नहीं है। कौन बनाता है इनको मीडिया वाला, जब इनको मीडिया की समझ नहीं है सवाल क्या करना है, बस ऐसे ही मुंह उठा के बोल देते हैं सर आप जाति की राजनीति करते हैं। अरे भैया, हम जाति की राजनीति नहीं करते हैं, हम लोगों के लिए अधिकार की बात करते हैं। ये कब समझोगे आप लोग? आपके अंदर हिम्मत तो है नहीं उन लोगों से सवाल करने का कि आप धर्म की राजनीति करते हैं। जाओ करो सवाल, फिर हमें बताना, करके दिखाओ, फिर हम माने कि हाँ तुम एक सही तरीके से अच्छे पत्रकार हो, बढ़िया काम कर रहे हो, करके दिखाओ एक बार हमें। नहीं कर सकते हो ना, तो आप लोग कमेंट करिए कि क्या ये पत्रकारों को इस तरह के सवाल करने चाहिए। अगर नहीं करने चाहिए तो कमेंट में लिखिए नहीं। और मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पे आप लोगों के 1000 लाइक्स आने चाहिए, तब मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। अगर 1000 लाइक्स नहीं आया मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। मुझे आप लोगों की हिम्मत चाहिए, आप लोग लाइक करिए, कमेंट भी आना चाहिए आप लोगों का, चाहे वो इस वीडियो के पक्ष में हो या खिलाफ हो, जो भी आप कमेंट करें वो करिए। हाँ, पत्रकारों को क्या सवाल करने चाहिए, और आप लोग बताइए कि क्या मुकेश सहनी जाति की राजनीति करता है? क्या वो गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, निषादों के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं? वो गलत है? गलत नहीं है, वो अधिकार की मांग कर रहे हैं, वो जाति की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये आप लोगों को समझना पड़ेगा। अच्छा, एक बात आप लोग बताइए, क्या आप लोगों को क्या लगता है
तो ये जो छुटबइये पत्रकार जो होते हैं ये इस तरह का काम करते हैं। तो अपनी राय इस वीडियो में दीजिए, और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो आएगी रोज़। आप चाहते हैं वीडियो बनाते रहें तो भी रोज़ वीडियो जो है आती रहेंगी इन्हीं शब्दों के साथ। फिर मिलते हैं आप लोगों से। आप देखते रहिए VIP न्यूज़ टुडे। मैं के सिद्धार्थ, धन्यवाद। फिर मिलेंगे कहीं ना कहीं।